हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है cot 21 माइनस टेन 21 माइनस टू इंटू में टेन 42 माइनस फोर इंटू में टेन 84 अपॉन में cot 168 इज इक्वल टू वन। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। या देखिए, अगर हमारे पास गिवन है cot x माइनस टेन x, इसे सिंप्लीफाई करें। या देखिए, cot x की जगह पर हम लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, माइनस टेन एक्स की जगह पर लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। हम देखिए, इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। हम देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू में टू, और यहाँ पे भी इंटू में टू। तो हमारे पास हो जाएगा टू कॉस टू एक्स अपॉन में, ये हमारे पास हो जाएगा साइन टू एक्स। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉट एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू में कॉट टू एक्स। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे पास गिवन है कॉट 21 माइनस टेन 21 माइनस टू इंटू में टेन 42 माइनस फोर इंटू में टेन 84 अपॉन में कॉट 168। हम देखिए, कॉट 21 माइनस टेन 21 की जगह पे इस फार्मूले से हमारे पास आ जाएगा टू कॉट टू एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा टू इंटू में कॉट 21 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉट 42 माइनस टू इंटू में टेन 42 माइनस फोर इंटू में टेन 84 अपॉन में कॉट 168। यहाँ पर देखिए, टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉट 42 माइनस टेन 42। अगेन इस फार्मूले से ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू में कॉट 42 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉट 84 माइनस फोर इंटू में टेन 84 अपॉन में कॉट 168। यहाँ से देखिए, अगेन फोर कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉट 84 माइनस टेन 84। अगेन इस फार्मूले से हमारे पास हो जाएगा फोर इंटू में टू इंटू में कॉट 168 अपॉन में कॉट 168। हम देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।